Subscribe now and press the bell icon. No miss an update from Marula Class. तो मारुला क्लासेस में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन की पावर इन्फिनिटी। तो लिमिट का पांचवा फॉर्म मानते हैं वन की पावर इन्फिनिटी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, बताते चले कि इस वीडियो में हम लोग कर क्या रहे हैं। वन की पावर इन्फिनिटी का इवेल्यूएशन देखेंगे, क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी लेंगे, कौन कौन से ट्रिक्स लग रही हैं। तो वन की पावर इन्फिनिटी के लिए अगर आप कोई वीडियो या कोई ऐसी क्लास चाहते हैं जहाँ पर आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कोई क्वेश्चन जैसे कैसे होगा। तो जैसे यह क्वेश्चन देखें कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2x 2 अपॉन x की पावर x है। अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे गया, अभी हम इस क्वेश्चन को पहले शॉर्टकट से इवेल्यूएट करते हैं, फिर हम आएंगे कि ये मेथड शॉर्टकट क्यों लग रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी। अब इसको शॉर्टकट या ट्रिक से कैसे लगाते हैं, फिर हम ये समझेंगे क्यों ऐसा लगाया गया है। तो शॉर्टकट में क्या बोला जाता है कि सीधे ई लिखिए। अब ये रीजन बताएंगे ई कैसे लिखते हैं। लिमिट लगाइए ई के अलावा, लिमिट लगाइए जो लिमिट दी गई है। तो लिमिट हमारी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दी गई है। अब देखो इस वन को छोड़कर इस वाले टर्म का इसी पावर में 2 अपॉन x के साथ साथ इस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ तो आया e की पावर 2, तो आंसर इसका आया e स्क्वायर। तो अब यानी ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मगर ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम समझते हैं। और जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। तो पहली एक बात ये भी समझते हैं कि जो भी हमारी इंटीग्रल फॉर्म थी, जैसे 0 अपॉन 0 है, तो हमें ये समझ में आती है कि इंडिटेंट फॉर्म है, ये कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं। मगर ज़्यादातर इनिशियल में वन की पावर इन्फिनिटी को बच्चा ही बोलता है कि सर ये तो वन ही होगा, ठीक है, हमेशा ही बोलता है कि वन होगा। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये वन की पावर इन्फिनिटी वन होगा, ये इंडिटेंट फॉर्म में क्यों डाला गया है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वाई बराबर वन की पावर इन्फिनिटी, अगर इसको लॉग वाई बराबर इन्फिनिटी लॉग वन। अब देखो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये इन्फिनिटी जीरो हमारा बताया जा चुका था कि ये इंडिटर्न फॉर्म है। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि इंडिटर्न फॉर्म उन फॉर्म को बोलते हैं, अगर आप जैसे क्वेश्चंस कुछ भी आए, जैसे कि यहाँ पे लिया गया तो इसका आंसर ई स्क्वायर आया, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, अगर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसका भी आंसर अलग अलग आएगा। तो एक ही फॉर्म का, जैसे कि अगर आप देखें जैसे कि 2 अपॉन 2, ये कैसे भी हो इसका आंसर हमारा 1 ही आएगा। यानी सेम नंबर को सेम नंबर, यानी 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 1 आएगा। 200 अपॉन 200 करें रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, मतलब ये एक डिटरमाइन है। मगर 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर हर बार चेंज हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन आप लेंगे तो देखिए चेंज होते रहेंगे, इसीलिए ये डिटरमाइन नहीं हो पाए ना, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी एक इनडिटरमाइन फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला लग कैसे रहा है। तो देखो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको फटाफट हम एक्सपेंशन करते हैं कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंशन करें। अब हम n की जगह 1 अपॉन x रख देते हैं, क्या रखते हैं 1 अपॉन x रखते हैं, तो 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x है, तो n की जगह हमारा जहां जहां n है वो x 1 अपॉन x हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला या ट्रिक बनी कैसे, फटाफट अभी देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, और यहां पर भी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां 1 प्लस 1, यहां पर अगर 1 अपॉन एक्स और यहां पर 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया इससे, तो 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1, और यहां पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड में अगर हम लिमिट ले लें 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो देखो यहां पर भी लिमिट अगर एक्स टेंस टू 0 ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n फैक्टोरियल होता है जब ये एक्सपेंशन लिखेंगे। और देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आया 1 माइनस एक्स यहाँ पर आगे आया अपॉन फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट में ऐसे टर्म आते रहेंगे। अब लिमिट अगर अप्लाई करें इधर तो देखो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या बन गया 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ये देखो क्या बना,
अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये जीरो जाएगा, ठीक है, और आगे भी है ऐसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ये एक्सपेंशन जो बना है e, क्या बन गया e, क्योंकि e की पावर x का एक्सपेंशन आपको याद होगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इससे एक शॉर्टकट हमारा बना, शॉर्टकट क्या बना कि इतना मेथड, मतलब ये पूरे स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या करिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर, अगर 1 अपॉन x है, ये 1 की पावर इनफिनिटी है, तो सीधे क्या लिखिए, सीधे बताएगा कि e लिखिए और लिमिट x टेंड्स टू 0 इस बाइनोमियल जो फॉर्म में है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में है, इसमें 1 हटा के जो बचा हुआ टर्म है यानी x बचा है उसको उस पावर से 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करिए और लिमिट को सॉल्व कर दीजिए, तो आंसर e आया। तो अब हम इन स्टेप पर नहीं जाएंगे, जो ये हमारे स्टेप जिसे हाईलाइट कर रहे हैं कि मतलब ये जो रीजन था, इस रीजन को बस हम समझेंगे कि ये ऐसा e की पावर में क्यों कन्वर्ट होगा है, इसको छोड़कर हम सीधे शॉर्टकट पे जाएंगे जो हमने यहां बताया है कि आप e की पावर में लिमिट को अप्लाई करेंगे और सिंपली आंसर निकालेंगे। तो देखो एक बार यहां पर देखो, इस जब क्वेश्चन को हमने लगाया था तो वही काम किया था, जब इन्फिनिटी को आप देखो लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई की तो 2 अपॉन इन्फिनिटी हमारा 0 है, ये क्या है 0 है और ये इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था, तो सीधे हमने लिखा e, लिखा e हमें लिखना है। अब उसके अलावा ये जो लिमिट है वो यहाँ लिमिट लिखेंगे और ये जो टर्म है 2 अपॉन x वो यहाँ लिखेंगे और पावर में ही ये जो पावर होगी मल्टीप्लाई करें और बस सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई हमारे लिमिट पर होगा और वो चार फॉर्म जो पहले वाली है उन्हीं में से कन्वर्ट हो गए। अब देखो यही चीज ये कह रहा है कि इवैल्यूएशन ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी अगर करना है तो अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, इस फॉर्म में क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो लिमिट x टेंड्स टू a fx किया जा रहा है 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और लिमिट x टेंड्स टू a gx क्या है 0 है। अब देखो 1 अपॉन gx मतलब 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो अगर ये हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी में है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, तो वही चीज वो कह रहा है। आगे हम देखते हैं इसको क्वेश्चन के साथ, तो उससे हमारा क्लियर होगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई भी कर सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले लिमिट अप्लाई करें तो साइन 0 0 होता है, ये 0 हो जाएगा और कॉट 0 हमारा इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारा फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो सिंपली वही करेंगे हम, ट्रिक का सहारा लेंगे, ट्रिक क्या कहती है कि पहले ई लिखिए, ई लिखा जो लिमिट हमारी दी गई है, ध्यान दें वो लिमिट हम पावर में लिखेंगे, तो यहां 0 दी गई वहां इन्फिनिटी थी, 1 को छोड़ के जो लिखा है उस साइन एक्स को जो हमारा पावर है उस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो मल्टीप्लाई किया गया, अब ये जो है इस टर्म को हम सॉल्व करना है, ये किसी भी फॉर्म में जो शुरुआत की हमारी फॉर्म थे कौन कौन सी, 0 अपॉन 0 इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी और 0 इनटू इनफिनिटी, ये चार फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में गया होगा, तो इसको हम सॉल्व कर ले। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 सिंपल है sin x और ये देखो क्या होगा cos x अपॉन sin x, ठीक है, ये देखो फॉर्म कौन सा बना था 0 इनटू इनफिनिटी, इस फॉर्म के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये e की पावर लिमिट x टेंड्स 0 cos x और cos 0 क्या होता है 1, तो e की पावर 1, तो दैट इज ई आंसर आ गया, क्या आ गया ई आंसर आ गया, डी ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब देखो हमने चेंज किया है कि अगर हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, मतलब अभी तक हमने देखा था 1 प्लस एफ एक्स, अब हम देख रहे हैं कि सिंपल एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसको भी समझते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्वेश्चन को ऐसे ही लिया है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स, अब देखो कॉस जीरो जो होगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 1 होता है और 1 की पावर हमारा cot 0 जो होता है इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट बन रहा है। तो उन्होंने समझाया है कि यहां पर fx हमने 1 लिया है, ये क्या लिया 1, ठीक है, लिमिट लगाने पर 1 और gx क्या लिया इन्फिनिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, तो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। तो उन्होंने कहा कि देखो इस fx में 1 हम जोड़ेंगे एक्स्ट्रा और 1 घटाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, तो हम 1 प्लस x की पावर gx ही बना लेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा अपने तरफ से 1 ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर वही काम करेंगे e की पावर में हम इसको इस y टर्म को gx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से काफी चीजें समझ आती हैं, आसानी से आ जाती है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई भी कर सकते हैं, यहां पर क्या करें पहले 1 ऐड करें, अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे तो आप पेशेंस रखिए, 1 के जोड़ा और cos x में 1 घटा दिया, देखो जितना हमने जोड़ा है 1 उतना ही घटाया है, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे चल रहा है जैसे कि आप समझ जाए। अब हम देखो ई लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हम 1 के अलावा जो बचा है ध्यान दें cos x माइनस 1 बचा है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे cot x को, किसको करेंगे
cot x को. अब बस हमें लिमिट यहाँ पे अप्लाई करना, इसमें अप्लाई करनी है. तो देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस, माइनस को हमें ले क्यों लिया गया बताएंगे अभी. यहाँ पर अब देखो 1 माइनस cos x हो गया, और यहाँ पर ये क्या है cos x अपॉन sin x. आप समझो एक रिजल्ट हमने डिस्कस किया था 1 माइनस cos x लिमिट x टेंड 0 अपॉन x स्क्वायर के आंसर होता है डायरेक्ट 1/2. मतलब ये फार्मूला इस ट्रिक पर आधारित है, लिमिट x टेंड 0 1 माइनस cos nx याद कर सकते हैं आप अपॉन x स्क्वायर. सीधे आप इस n इसका स्क्वायर करिए n स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है. तो अभी रिजल्ट हम यूज करेंगे 1/2. और एक फार्मूला और लगेगा लिमिट x टेंड 0 sin x अपॉन x, ये क्या होता है 1. इन दो रिजल्ट्स को अब हम यूज करने वाले हैं. तो हमने अपनी तरफ से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. और यहाँ पर हमने इस एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो एक्स को मल्टी यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है. अब ये देखो 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, सीधे आया 1/2, ठीक. ये हमारा कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक. अब देखो इस एक्स से हमारा ये एक्स कट जाएगा, तो अब कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, और ये 0 हो जाएगा. तो देखो सब कुछ जो भी 1/2 1 माइनस 1 जो भी आएगा उसमें 0 का मल्टीप्लाई करके 0 ही बन जाता फाइनली. तो e की पावर माइनस 0 e की पावर 0 होगा, ये 1 आंसर आ जाएगा फाइनली, क्या आ गया 1. तो हमारा बी ऑप्शन आ गया, समझे कि नहीं, क्योंकि इसके 0 होने से सब 0 हो गया था, ठीक है. इन रिजल्ट्स को अब याद रखिए, ठीक. यहां पे देखते हैं, ये भी उसी फॉर्म में fx की पावर gx. तो एक फार्मूला हम लगाएंगे log ऑफ, फार्मूला log की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि log ऑफ mn होता है log m प्लस लॉग है, इसको ट्राई कर यूज करने वाले हैं. और एक यूज करने वाले लॉग 2/1 होता है, और दूसरा एक और फार्मूला है, मतलब एक फार्मूला ये यूज होगा, एक ये यूज होगा, हम रिमाइंड करा देते हैं. एक फार्मूला यूज होगा लॉग ऑफ a बेस b बराबर होता है 1/ लॉग ऑफ b बेस a. इन तीन फार्मूले को यूज करेंगे. तो देखो हम एम एन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 3/3 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 3, ठीक है. और ये पावर में जो है वो रखी रहेंगे एज इट इज, लिमिट हमारी x टेंड्स टू 1 थी. अब देखो ये 1 हो जाएगा, log 3/3 1 हो जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1. आप भी ट्राई कर सकते हैं साथ साथ. यहाँ पर अब log ऑफ देखो x बेस 3 और log ऑफ 3/x. अब देखो log 0, ये ध्यान दें, जब यहाँ 1 रखेंगे log 1 क्या हो जाएगा, log 1 बेस 3 0 हो जाता है, ठीक है. तो ये 0 हो जाएगा. और जब log ऑफ 3/1 ये इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये टेंड हो रहा है इन्फिनिटी को और ये टेंड हो रहा 0 को. तो वही फॉर्म बन गए, तो वही ट्रिक लगाइए. ट्रिक क्या था, सिंपल e लिखिए लिमिट x टेंड्स टू जो दी गई हो, अब यहां 1 दी गई है, इस वाले फॉर्मूले को log ऑफ x बेस 3 के साथ log ऑफ 3/x. अब हम एक फॉर्मूला हमारे पास है log ऑफ a अपॉन b बराबर होता है log ऑफ a अपॉन log b. लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उस वजह से क्वेश्चन हमारे लिख पाता, तो ऐसा है नहीं. लिमिट x टेंड्स टू 1, अब देखो इसको लॉग ऑफ लिख सकते हैं x अपॉन 3, और इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 अपॉन x. तो ये कट के कितना हो गया 1 हो गया, तो e आंसर आ गया, क्या फाइनली आ गया e. एक प्रॉपर्टी सीधे भी लोग लगाते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब लॉग ऑफ a अपॉन b, लॉग ऑफ a बेस b और लॉग ऑफ b बेस a बराबर 1, वो ऐसे ही इसीलिए हो जाती है कि वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. अब हम टाइप 3 पे चल रहे हैं, मतलब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए, जैसे आगे हम दिखाएंगे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे. तो अब इसको यहाँ पे देखो, पहले हम इस चीज को पहले एक बार अप्लाई करके देखें, ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो इसको देखें कि x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, मतलब हमने इधर सफल कर दिया इसको यहां से यहां, ठीक. अब ये इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म में था, मतलब ये अभी चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा नहीं रहे. तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी में हम कैसे करते थे, पहले x कॉमन लेते थे, तो 2 अपॉन x. यहां अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि यहां पर केवल हम वेरीफाई कर रहे हैं. तो देखो ये क्या आ रहा है कि 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 1. तो सिंपल ये लिमिट अप्लाई करने पर ये 1 है और 1 की पावर इन्फिनिटी है, 1 की पावर इन्फिनिटी है. तो देखो इसको कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 हम ऐड कर देंगे और 1 प्लस x लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पावर x. अब यहाँ लिखने की जो बारी आई, या तो आपके पास मतलब आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस x ये इधर जाएगा, तो एक 1 हमें और चाहिए, तो 1 प्लस ऐड कर दें. दूसरी तरीका यह है कि सीधे सीधे 2 प्लस एक्स में 1 प्लस एक्स को आप घटाएंगे,
यहाँ घटाएंगे तो सीधे जो भी यहाँ पे आएगा वही चीज यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो ये चीज याद। बस इसको आप सिंपली सॉल्व करना है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस चीज को यहाँ लिख लें, वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर आ जाएगा, नीचे हमें कॉमन लेने की जरूरत है, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, ये कट गए, ये जीरो हो गया, तो ई ही आंसर आया। तो ज़्यादातर आंसर ई आते हैं, तो इसका मतलब हमेशा नहीं आता, ऐसा नहीं करेंगे मतलब कोई भी क्वेश्चन वन के बाद इन्फिनिटी आए आप उसको ई लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब आप देखो वही उसी टाइप का टाइप फोर का एक क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको देखते हैं। हमें पहले ऐड करना है वन, तो वन जब ऐड करेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, ठीक है, और ये यहाँ पर एक्स, अब हमें यहाँ पर लिखना है, तो उन्होंने बताया था कि ये यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो उसके लिए दोबारा फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पर हम दोनों को घटाते हैं, क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं, ठीक है, तो दोनों घटाते हैं, तो सिंपल मतलब आपके लिए समझा रहे हैं कि घटाएंगे, और वैसे भी आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर 12, या एलसीएम लेके भी आप समझ सकते हैं, तो केवल आपको प्रोसेस लगाना है, ठीक, ये आ गया। अब हमने बताया था कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में डायरेक्ट रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं, मतलब इसको आप कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, अगर अगर हमने बोला था कि डिग्री नीचे डी आर की, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का एक वीडियो में डाला है, उसमें बताया था कि ये जो हमारा ये हमारा है एन आर और ये डी आर है, अगर डी आर की डिग्री ज़्यादा है तो हमेशा आंसर हमारा जीरो ही आता है, तो ई की पावर जीरो हमारा आंसर फाइनली वन आ जाएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। हमने बताया था कि एन आर जो न्यूमरेटर है उसकी पावर, देखो इसकी वन है और डी आर न्यूमरेटर की पावर टू है, तो आंसर इसका सीधे जीरो आता है, ठीक है, ये नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं टाइप फोर। अब देखिए यहाँ पर लिमिट अगर चेक करें, ए की पावर जीरो क्या होगा, बी की पावर जीरो क्या होगा, सी की पावर जीरो का आपको पता होगा कि वन होता है, तो ये वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो थ्री अपॉन थ्री, मतलब चेक करें तो थ्री अपॉन थ्री की पावर थ्री अपॉन जीरो, तो मतलब वन की पावर इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इसका शॉर्टकट भी बना लेंगे, वन ऐड कर दिया आपने, यहाँ थ्री रखा, ये देखो ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स माइनस थ्री सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये माइनस थ्री होगा क्योंकि यहाँ पे थ्री जाएगा तो थ्री ही सबट्रैक्ट होगा। अब वही पावर में ले जाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब इतना ही हमारा पावर में जाएगा, ये चीज़ ही पावर में जाएगी, तो ए की पावर एक्स, अब देखो एक स्टेप और लिख देते जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये तो शॉर्टकट भी लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक, पहले एक बार लिख देते हैं, ठीक, अब कंफ्यूज ना हो, जैसे कि अब एक बार हम देखो इसको पेशेंसली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते यहाँ देख सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब देखो a की पावर x इस है a के साथ, इस थ्री को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब एक माइनस वन यहाँ लिखते हैं और b की पावर x के साथ एक माइनस वन लिखा और c की पावर x माइनस वन लिखा, ये तो देखो माइनस वन और माइनस वन कलेक्ट करेंगे तो हमारा कितना माइनस थ्री आ जाएगा, और अपॉन में अलग अलग हमने इस x को अपॉन में अलग अलग x कर दिया, ये x यहाँ डिवाइड कर दिया x, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूले बन गए, ये क्या बन गया फॉर्मूले, जैसे ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट में इसको बताया गया है कि ये फार्मूला क्या बना है, एक फार्मूला हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ टू होता है, लॉग ऑफ ए होता है, और अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो तो लॉग ऑफ टू होगा, तो ये देखो फार्मूला हमारा e की पावर में ये log a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log a, लिमिट वैल्यूएट हो रही है log of b और log of c, तो ये log a प्लस log b प्लस log c हो जाता है log of a b c, अब बेस ही अब ये इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर बेस और ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो a b c की पावर log of e बेस ई और log of e बेस ई वन हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर फाइनली a b c आ जाएगा, क्या आ जाएगा a b c, ठीक है, मतलब इस स्टेप को हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को लिखा है लॉग ऑफ ए, तो पावर में जब ई की पावर में आया था तो लॉग ए बेस ई ही आता है, क्योंकि बेस हमारा ई जो है वो नेचुरल लॉग पे आता है, तो हमेशा हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो फॉर्मूला लगाया गया तो हम माना है कि बेस ई है, ठीक है,
अब हमने फॉर्मूले को लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लॉग ऑफ ए बी सी बे सी। अब इस स्टेप को समझे जो अब हम करने वाले हैं कि अगर ए की पावर लॉग ऑफ बी बे सी हो तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है कि बी की पावर लॉग ऑफ ए बे सी, देखो ए की जगह बी गया, बी की जगह ए गया, तो ये हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहां पर ए बी सी की पावर लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस ई क्या होता है 1, तो फाइनल तब आंसर आ गया था ए बी सी। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जैसे होते हैं, हम फटाफट आपको दिखा देते हैं कि क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि यहां देखिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 1 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 अपॉन x है, ठीक है। तो अब जैसे वहां पर a b c आया था, जैसे यहाँ पर a था और यहाँ पे b था और यहाँ पर क्या था c था, तो हमारा ये आंसर आया था a b c। तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2 × 3, तो यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा। अब देखो प्रेडिक्ट करो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है 1 की पावर x, 2 की पावर x, मतलब ये ट्रिक बन सकती है, क्या है ट्रिक की तरह यूज करेंगे, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x हो, ठीक है, और अपॉन 5 अब जाएगा, 5 जाएगा। और ये ध्यान रखें कि ये यहाँ पर 5 अपॉन x अभी चल रहा है, तो ये जाएगा कितना 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। तो इन जनरल क्या होगा, जनरली हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 की पावर x, 2 की पावर x, डॉट डॉट n की पावर x। अब n की पावर x हो तो यहाँ डिवाइड n होगा, और ये है हमारा n अपॉन x, क्या है n अपॉन x, तो अब इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो दो बातें और ध्यान रखें जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे हमने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्रिक्स में a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x अपॉन x, और अगर यहाँ पे 1 अपॉन x है, देखो यहाँ पे एक बात ये, और इस ध्यान दें कि मतलब दोनों में ये अंतर आने वाला है, वो चीज़ समझें कि यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन x, और यहाँ पर 3 अपॉन x लिया है। तो देखो इसका आंसर भी डिस्कस कर रहे थे, तो इसका आंसर ए बी सी आ रहा है जब यहाँ पर पावर में 3 अपॉन x है। अगर यहाँ 1 अपॉन x है तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे उसी तरीके से तो ए बी सी की पावर 1 अपॉन 3 आएगा। तो अगर हमने फॉर्मूला अगर क्वेश्चन ले लिया लिमिट x टेंड्स 0, समझ रहे कि नहीं, ये यानी क्यूब रूट आएगा, क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, जिसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि 1 की पावर x, 2 की पावर x, भाई आपको समझ आ रहा होगा ना, ठीक है, इससे आपको सारी चीज क्लियर होगी। अब यहां पर होता अगर 1 अपॉन x, तो देखो फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, ये यानी कि इसको आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं nth रूट ऑफ फैक्टोरियल n। तो इतना आप समझे, ठीक है, ये आप एज ए शॉर्टकट याद कर सकते हैं जो आपको काम देगा, ठीक है, और ये यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, इति वादन। अब टाइप 5 में जाएंगे, टाइप 5 इस टाइप क्वेश्चन अगर आपके पास है कि ये पहले आप चेक करेंगे, तो देखो जब आप x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो tan पाई बाई 4 की पावर 1 अपॉन x, 1 अपॉन 0, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला इसको लगा दें, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यूज कर रहे हैं इसलिए दिखाया गया है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस tan पाई 4 इंटू tan x। अब tan पाई 4 tan 45 tan 45 मतलब 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हम लिख रहे हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की पावर 1 अपॉन x। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x की पावर 1 अपॉन x, ठीक है, और नीचे हम यहाँ पर अलग लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस tan x की पावर 1 अपॉन x। देखो ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपको समझने जरूरत है डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, ठीक है, ये चीज़ को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक, लिमिट को डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट कब किया है, जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म अलग अलग बन रहे हो,
ठीक है, तब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस टेन एक्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूट तब कर सकते हैं जब किसी इंटीग्रल फॉर्म में अलग। देखो ये खुद बन रहा है, अपने आप में बन रहा है वन की पावर इन्फिनिटी, और ये जो दूसरा पार्ट हमने किया है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी चीज़ को आप किसी डिवाइडेशन को रेशियो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये अलग से बन रहा है वन की पावर इन्फिनिटी। ठीक, तो अब इसमें अलग अलग लगा देंगे, ऊपर जैसे लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। ठीक, तो ये आ जाएगा टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा e की पावर वन और e की पावर माइनस वन, तो ये आ जाएगा e की पावर वन इंटू e की पावर वन ई स्क्वायर। ठीक, मतलब हमने जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स या लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो और ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो। ठीक है, दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म में अलग अलग हो तो आप तब ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। ठीक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, मतलब अगर चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब इन्होंने देखा था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस टेन एक्स, जैसे यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप करें ही करें। ठीक, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे वन प्लस टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। अब इतना तो जानने को होगी तो ऐसे कैसे लिखते हैं ये, अब इसको पावर ले जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स और ये आया वन अपॉन एक्स। ठीक, तो इस वाली लिमिट को हमें सॉल्व करना है, ये वाली लिमिट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन, तो ये वन हो गया और ये देखो हमारा क्या जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, ई की पावर टू इंटू वन अपॉन वन माइनस जीरो, तो ई की पावर टू मतलब ई स्क्वायर आंसर आ गया। तो इस ये मैथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अब आपकी बारी आ गई, अब ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि मतलब इस वीडियो के वन की पावर इन्फिनिटी के सारे क्वेश्चंस लगभग, अगर इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आप 20-25 क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म के पर्टिकुलर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इंट्रेंस लेवल पर आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। तो वन से लेकर फोर तक आपको क्वेश्चंस दिए गए, अब इनको नोट डाउन करें या अभी सॉल्व भी कर लें। मतलब टाइप जितने भी हमने टाइप फाइव दिखाए थे इस वीडियो में, वन के पावर इन्फिनिटी के ही सारे थे, ये भी वन के पावर इन्फिनिटी के ही हैं, इनको आप करें और लास्ट के ये क्वेश्चंस भी करें। ठीक, इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें, अगर आपको वाकई में वन टू वन आप पढ़ रहे हैं और पर्टिकुलर कोई टॉपिक उठाया जैसे हाफ लिमिट में अभी होना चाहिए। इंटीग्रल फॉर्म बहुत से लोगों को याद ही नहीं होता है, जीरो की पावर जीरो और इन्फिनिटी की पावर जीरो, हमने बताया था, एक बात आप ध्यान रखें, हमने बताया था कि फॉर्म नहीं है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ये इंडिटर्म फॉर्म नहीं है, जीरो की दो तीन चार पाँच इंडिटर्म फॉर्म नहीं है। देखो ये जीरो पाँच जीरो, ये पर्टिकुलर इनको आपको याद ध्यान रखना, ये सेवन ही हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक, तो ये सारे आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए तभी आपका लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आज हम देख रहे थे वन की पावर इन्फिनिटी, ऐसे हमने हर एक वीडियो में पर्टिकुलर उस फॉर्म को लिया है, अगर उसको आप तैयार करते हैं सेवन फॉर्म्स को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स के क्वेश्चन, हमें भाई यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, बात हमारे ने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट उसकी बात नहीं कर रहे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, मतलब LHR और RHL ये चेक करते हैं, LHR RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही, बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में भी हम लोग बात करेंगे, पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं इवेल्युएशन ऑफ, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट का मतलब है, ठीक है, इवेल्युएशन इवेल्युएट लिखा, जैसे जहाँ पर लिखा है इवेल्युएट ऑफ द लिमिट, जहाँ पर भी लिखा है इवेल्युएट ऑफ लिमिट, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, लिमिट इज ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हमें क्या करना है कि उसका वेफ वी आर फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ
दैट लिमिट। जैसे कि आपने जैसे किसी भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे दिया और आप अपनी कॉपी सबमिट कर चुके हैं, ठीक है, तो आप फेल हो गए, पास हो गए, वहीं पे तय हो गया। मगर उसका रिजल्ट आता है जब क्या आता है, रिजल्ट, जब उसका रिजल्ट आता है तब वो इवेल्यूएट होता है कि बोला जाता है कि मार्क्स इवेल्यूएशन हो रहा है। तो वैसे ही एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, जब आप इसको मेथड अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने देखो एक चीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि वन की पावर इन्फिनिटी, कि वन की पावर इन्फिनिटी में जैसे यहाँ पे ग्रीन जो हमने हाईलाइट किए हैं, देखो ये भी हमारा, हमने बताया था कि फाइव अपॉन फाइव वन रहेगा। अब इसको 3 + 2/5 करें, किसी भी फॉर्म में लिखें ये हमेशा 1 ही रहेगा। इसको 10 - 5/5 या किसी भी फॉर्म में लिखें ये 1 ही रहेगा। मतलब ये डिटरमाइन है, ये क्या है, डिटरमाइन है, मैथ्स में ये चीज़ डिटरमाइन है। मगर देखो ये अभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी है, इसका आंसर ई आ रहा है, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, इसका आंसर हमारा इक्वल लैम्डा आ रहा है, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है। अगर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर बस पाई एक्स अपॉन 2a ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, पाई एक्स अपॉन 2a होगा। तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी है, इसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, इक्वल माइनस 1। तो ये भी देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी, इसका आंसर है इक्वल और माइनस 1/6। तो आंसर्स एक ही फॉर्म के आंसर, देखो ए की पावर 6, ये ग्रीन वाले जो भी वो सब आंसर्स हैं, तो आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो वो सारे जैसे 0/0, तो अगर आप देखेंगे, अब अगर ऑब्जर्व करें तो 0/0 भी अगर आप लेंगे, अगर 0/0 का ये क्वेश्चन अगर ले लिया जाए फॉर एग्जांपल कि वो इंडिटरमिनेंट क्यों है, x²-4/(limit extends to 0, 2x²-4/(x-2)) एक क्वेश्चन ले लिया गया और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 और x²-5x+6/(x-2) ले लें। अब देखो ये भी 0/0 है क्योंकि 4 - 4 0/0 और ये भी हमारा 0/0 ही है। अब इसका आंसर अगर निकालेंगे तो क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे, जबकि सेम फॉर्म है, आंसर सेम आना चाहिए था, क्या देखते हैं आंसर सेम आएगा, तो आंसर का सेम नहीं है, इसलिए डिटरमाइन नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, अब यहाँ पे करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x-2, तो ये बात जब आप लिमिट को प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, तो आपको ये बात आंसर ऑटोमेटिक आता है कि ये चीज़ क्यों ऐसी हो रही है। अब यहाँ पे देखो 2 - 3 करेंगे तो -1, तो एक ही फॉर्म के क्वेश्चंस के आंसर हमारे यहाँ पर चेंज हुए, एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह -1। तो कभी भी हम डिटरमाइन नहीं है, हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता था, हमें समझ आता है। इसलिए लिमिट में 7 फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, उनको अब याद रखें। 1 की पावर इन्फिनिटी का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये पूरा इसी आधारित था क्या, आपके सारे कुछ हद तक हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए, अगर ऐसा कर पाए होंगे, कुछ भी आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हम समझ पाएँ कि आप किस वे में जा रहे हैं, हमें किस वे में जाना है, ठीक है। इतने ही रखते हैं आज की क्लास में, थैंक यू।